गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है भाई रजिंद्रा ठीक ब्लॉग में। तो आज हस्बैंड जी जा रहे हैं पापा जी को दिखाने सुबह सुबह डॉक्टर के। तो 8:30 बजे हैं, 10 बजे डॉक्टर बैठेंगे। हरिद्वार जा रहे हैं दिखाने के लिए। पापा की भी तबीयत ख़राब सी रहती है और मम्मी की भी तबीयत ख़राब रहती है, तो इसलिए जल्दी जा रहे हैं कि जल्दी नंबर आ जाएगा। सुबह का सारा काम अभी मैं कर रही थी, सबको नाश्ता करवा दिया, पापा को करवा दिया, हस्बैंड जी को करवा दिया है, बच्चे चले गए स्कूल, तो यहाँ पे सारा सामान सा फैल रहा है। अभी किचन करूँगी सही से, पहले इनको भेज दूँ। तो ये बोल रहे थे कि जल्दी तैयार रहना, मेरे आते ही मम्मी को लाना है दिखा के, क्योंकि फिर फेस्टिवल शुरू हो जाएंगे त्यौहार, और उसमें जाया भी नहीं जाएगा डॉक्टर के यहाँ पे, घर पे ही रहना पड़ेगा और सब बिज़ी रहते हैं इसलिए। तो एक ही दिन दोनों को बोले कि आने के बाद तू दिखा लाना, अभी मैं पापा को दिखा लाऊँ फिर मैं घर पर रह लूँगा। तो भैया यही डील हुई थी, मम्मी सो रही हैं, चाय वगैरह पी के सो गई थी, अभी किसी को भूख नहीं है क्योंकि बच्चे स्कूल जाते हैं उस टाइम खा लेते हैं बच्चे तो अपना। तो भाई मैं ये सोच रही थी कि अभी तो कुछ काम है नहीं और दीदी भी नहीं आई है खाना बनाने वाली, तो मैं सोच रही मशीन में ये चदरे वगैरह दो दूँ गर्मियों के, धो के लगा दूँगी क्योंकि अब थोड़े मोटे कंबल ओढ़ने लग गए हैं गर्मियों की रखी थी। मम्मी बोली कि बाद में धो लेना शाम शुम को, अभी रहने दे तू इतना काम मत फैला। दीदी आ गई भाई, तो दीदी आते ही पहले बना रही हैं टमाटर की चटनी, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है टमाटर की चटनी, और साथ में बना रही दाल चावल। चावल का पानी भी रख दिया, दूध वगैरह सब गर्म हो गया है, और ये यहाँ पे बनाए थे सूखे आलू सुबह ही। हस्बैंड जी नाश्ता करके गए हैं रोटी खा के, पापा जी भी रोटी खा के गए हैं। तो भाई यहाँ पे सारा घर फैल रहा था, मैंने सोचा ला फटाफट दीदी खाना बना रही तब तक मैं सारा घर संभाल लूँगी, क्योंकि एक बार सुबह बच्चे जाते हैं तो स्कूल उस टाइम पर घर पूरा फैल ही जाता है। और लाइट नहीं थी थोड़ा, तो मैंने सोचा एक्स्ट्रा लाइटें वगैरह बंद कर दूँ। तो भाई ये दोपहर का सब ना लिए धोले काम निपट गया, हस्बैंड जी आने वाले हैं, तो मैंने सोचा मैं खाली थोड़ा सा लंच कर लेते हैं फिर जाना है हमने सहारनपुर मम्मी को दिखाने के लिए, सासू माँ को दिखाने के लिए। तो दाल चावल बनाए हैं, अब मैं चटनी ढूंढ रही हूँ, मुझे चटनी बहुत ज़्यादा पसंद है, दीदी से बनवाती रहती हूँ मैं टमाटर की चटनी। इसमें कुछ भी नहीं डलता, ना लहसुन डलता ना प्याज डलता, सिर्फ और सिर्फ हम टमाटर को भून के हरी मिर्च और हरा धनिया डालते हैं और कुंडी में बनाते हैं, जो पत्थर की कुंडी होती है ना मोगरे से, उससे बनाते हैं। तो ये बहुत टेस्टी लग रही थी, और पूजा भी आने वाली थी क्योंकि पूजा और मैं और सासू माँ तीनों जाएंगे दिखाने के लिए, बच्चे तब तक स्कूल से आएंगे तब तक हम वापस भी आ जाएंगे दिखा दूँ क्योंकि, इसलिए थोड़ा सा मुझे जल्दी जल्दी ना अपना काम निपटा लेते खाने पीने का। ये देखो चटनी का कलर ही कितना प्यारा आ रहा है। अब तो मैं कई दिन से मेरे को मतलब चटनी इतनी पसंद है कि सब्जी कम खाती हूँ, सर्दियों में दूध चटनी रोटी मक्खन ये ज़्यादा पसंद है, गर्मियों में भी लस्सी के साथ लेते हैं सब जने। तो भाई हम सब रेडी हो गए हैं, हस्बैंड जी आ गए पापा को लेके, पापा के लिए आते ही मैंने चाय बना दी थी, पापा चले गए शॉप पे अपनी, आते ही 12:30 बजे के करीब आए थे और हमें जाने में 1 बज गया, 2 बजे तक डॉक्टर उठ जाते, इसलिए हस्बैंड जी बोल रहे फटाफट चली जा देर हो जाएगी नहीं तो डॉक्टर उठ जाएंगे। तो यहाँ पे एक मैटर हो गया हमारा, जो मैंने करवा चौथ पे एक वीडियो बनाई थी इंस्टाग्राम पे भी डाल ली थी, उस वीडियो को लेके हमारे जो मैंने पीछे भी एक बात आपको बताई थी कि हमारे साथ समाज में ना ज़्यादातर मतलब राजनीति खेलते हैं लोग बहुत ज़्यादा, और मैं इन चीज़ों को तो नहीं मानती हूँ और मुझे जो करना है वो मैं करती हूँ अपने तरीके से। तो भाई अब सास ससुर हैं, जब ये साथ समाज में हैं ये तो कुछ नहीं करते हैं, पर अपने बच्चों की खुशी में तो खुश रहेंगे ना, तो इन लोगों को टॉर्चर करते हैं कुछ सामाजिक तौर पे ना, इनको मतलब नीचा दिखाना चाहते हैं कुछ लोग, चाहते हैं कि राजनीति की आग में ना अपनी रोटियां सेक लेते हैं। मेरे ससुर जी को जो है ग्रुप में वीडियो शेयर की जाती है और टारगेट किया जाता है, लोग फिर उनको बोलते हैं इधर उधर वीडियो शेयर की जाएगी गाँव वालों को कि देखो भाई ये सब व्रत करती हैं इनकी बहू में और ये भी साथ में शामिल होते हैं इनके ससुर जी। तो मेरे ससुर जी किसी भी काम में कोई में शामिल नहीं होते किसी में भी, तो यही पंगा हो रहा था, हस्बैंड जी बता रहे थे कि वो वीडियो ऐसे ऐसे घूमा फिरा के सब जगह से और ऐसे ऐसे करके मतलब भाई ग्रुपों में भेजी गई है और पापा के पास आई है वो वीडियो, तो भाई वहाँ पर जो बड़े नेता हैं पार्टी के उनको बताई गई ये बातें। तो भाई त्यौहार पे सब अपने बच्चों को पैसे भी देते हैं, बच्चे अगर कोई त्यौहार मना रहे हैं कुछ भी कर रहे हैं तो किसी को कैसे रोक सकता है कोई भी। तो ये थोड़ा काफ़ी लंबा मैटर हो जाएगा, इसको मैं एक दिन अलग से सुनाऊंगी सबको बोल के, क्योंकि हमारा जीना आराम कर रखा है। हम कोई भी वीडियो पोस्ट कर देना अपने ससुर जी के साथ, उसको ना ग्रुप में डाला जाता है व्हाट्सएप ग्रुप में और मेरे ससुर को टारगेट किया जाता है। ये जो है ना कुछ लोग जानबूझ के चाहते हैं कि मेरे जो है पापा जी को ये बातें सब बोलने के लिए कि उनको नीचा दिखाया जाए, कैसे उनकी जो है इंसल्ट की जाए, तो इस चीज़ को लेके ना वो लोग ज़्यादा ही। और किसी दिन इनकी इतनी धज्जियाँ उड़ाऊँगी ना मैं सब की जिसके बारे में मुझे पता लगेगा सोशल मीडिया पे। तो खैर छोड़ो, आज तो मैं इस टॉपिक को यहीं पर ख़त्म करती हूँ। तो मम्मी को दिखाने के लिए हम जा रहे हैं, मैं पूजा मम्मी तीनों के तीनों फटाफट से, क्योंकि डॉक्टर उठ जाएंगे फिर।
बात भर कर रहेगा मैं या अभी तो भर ले पानी बोतल पर जी जी यू क्यों राइस पे मैट पे मैट मतलब पूजा भाई अमरूद लेने जा रही है और मम्मी की एक हफ्ते की दवाई ले ली और देखो बच्चों के लिए तीन क्यों लिए पूजा ये तीन बच्चे नहीं है तीनों हाथी लिए है भी ना पानी यार आप ये रहा पानी ले ये रहा इसमें दो ये तो तारूंगी जाकर पूजा अमरूद लेने गई है। हेलो एवरीवन कैसे हैं आप सभी भाई स्वागत है रिजन राठी के ब्लॉग में। तो आज हम मम्मी को दिखाने आए हैं सहारनपुर। पहले हस्बैंड जी गए थे पापा को दिखाने हरिद्वार और मम्मी को सहारनपुर आए दिखाने डीके शर्मा के अस्पताल चौक की तरफ जो जाता है इधर दिखाते हैं यहाँ पे। तो भाई दवाई ले ली मम्मी ने एक हफ्ते की दिवाली के बाद दिखाया जाऊँगा। अब तो मम्मी की तबीयत पिछले हफ्ते बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी तभी इस वजह से थोड़ा सा व्लॉगिंग भी कंटिन्यू नहीं किया और क्योंकि काफ़ी तबीयत ख़राब रही मम्मी की कई जगह दिखाना भी पड़ा। तो अभी बच्चों के लिए पूजा ले रही है अमरूद। हम आए थे लेट थोड़ा सा जाते ही नंबर आ गया हमारा जल्दी। वो पीछे गाड़ी वाला वो कर रहा है ले पकड़ ले क्या था उसकी क्या हो रहा वो खड़ा होता है हां तो फिर मारी काट दिया भीड़ हो रही ना आज तो स्पीड तो रुक भी ना सकता ना क्योंकि ढलान है उसकी स्पीड चढ़ेगी चढ़ेगी बेचारे के ब्रेक लग गए ना उल्टी जाओगी ट्रोली इस मार चल ठीक बार भी तोड़ दे लो भी घर आते ही करनी मैंने मशीन चालू दोनों क्योंकि इजी वॉश के कपड़े काफ़ी ज़्यादा हो रहे हैं आज मेरे सूट वगैरह तो मैंने सोचा कि बाहर वाली मशीन में जल्दी फटाफट धो के और धूप में डाल दूँगी खाली ऐसे ही बिना हीटर करे। फिर बच्चे आने वाले हैं आज बच्चे की गाड़ी फंस गई थी जाम में इसलिए बच्चे लेट हो गए। हम भी आ गए छुटनपुर से वहाँ सहारनपुर से दिखा के बच्चे आए नहीं अब वेट कर रहे थे बच्चे का बस आने वाले हैं बच्चे भी लो भी बच्चे आ गए स्कूल से शानू भी सब आ गए लेट हो गया आज लेट हो गए बच्चे स्कूल से लेट हो गए मोरी कहाँ है तीन बजे आए हैं आधे घंटे लेट क्या हुआ था शानू क्या हुआ था अच्छा देखूंगी हाँ नहीं मुझे नहीं चाहिए सारी आठ 24 घंटे दादी ने छुपा दी गई अमरूद दे दे होटल घंटे दे दो इनकी अंदर है जगह ठहर भी नहीं हाँ देख तो ले वो जल्दी खाई भाई वो ले होगा पिंक पिंक दे दे पिंक दे दे उसको ले शानू ले ले पिंक ले ले हमने खेत में पालक बो रखी है तो पापा मम्मी आज खेत में घूम के आए और पालक लेके आए काट के सब्जी तो आज हरा साग बनाऊंगे चावल की रोटी। पूजा यहाँ पे सूट वगैरह तय कर रही थी कुछ जो है ऑनलाइन दिखाई थी सूट और कुछ हमारे सेल हो गए तो इनको पैकिंग करेगी पूजा भी थोड़ा काम है इसलिए तो भाई मैं फिर खेत में आ गई देखने के लिए पापा मम्मी तो अंदर चले गए थे मैं देखने आई थी कि भाई कितना रह रहा है क्योंकि यहाँ खेत में ना बाहर से बाहर काट ले जाते हैं कोई भी उगेगी कुछ भी मूली भी बो रखी है मैंने हरा धनिया भी ये पीछे हमारे खेत हैं देखो कितना अच्छा नज़ारा हो रहा है। थोड़ी देर मैंने सोचा घूम ले मैं ये बरसे में पानी पुनी दे रखा है भरे पड़े हैं खेत बहुत अच्छा लग रहा था बहुत अच्छा नज़ारा है यहाँ पे शाम के टाइम मंडे है ना शांति बिल्कुल शांति
लो भैया आज खाने में बना है साग रोटी, मेरी रोटी साथ में लस्सी, मक्की की रोटी बनाई है, ये बन रही रोटी। लस्सी ट्रे में रखना गुड़िया, उधर रखिए लस्सी। हाँ अभी हस्बैंड जी और रजत खाएंगे खाना। मक्खन लिया इधर, और यहाँ पे दिखाए जाएंगे अभी सूट। ये यहाँ पे अभी सूट खोल रही है पूजा, सूट दिखाऊंगे। वही पापा ने तो खा लिया था खाना पहले ही, अक्षित ने भी खा लिया, हस्बैंड जी थोड़ा लेट हो गए थे तो रजत बोला साथ में ही खाऊंगी, क्योंकि पूजा ज़्यादातर यहीं पे रहती काम के चक्कर में, फिर रजत और पूजा यहीं पे खाना खा के चले जाते, शाम को फिर टाइम नहीं मिलता पूजा को खाना खुना बनाने का। लो भाई आज का व्लॉग यहीं पे दी एंड करेंगे, काम कुम सारा ऐसे ही पड़ा, अभी तो टाइम नहीं मिलता बिल्कुल भी, बाहर भीतर का काम इतना ही ज़्यादा रहा है। डेविल को देखो, अब डेविल जाएगा बाहर, अक्षित गाड़ी स्टार्ट कर रहा है, अभी हमें इमरजेंसी कहीं जाना पड़ गया एकदम से, रात को हस्बैंड जी और मैं दोनों जा रहे हैं साथ में, कुछ अर्जेंट काम है फिर आए। बंद कर दे अक्षित। हाँ जी फ्रेंड्स, कैसा लगा मेरा आज का ये व्लॉग कमेंट करके ज़रूर बताना। तो अभी हम जा रहे हैं कहीं पे, अर्जेंट काम है जैसे कि मैंने बताया अभी आप सभी को, तो वही सारा काम निपटा लिया था हमने, खाना खुना भी खा लिया था, बस फिर कुछ कॉल सी आ गई थी तो इस वजह से आधे पौने घंटे का ये काम था। तो हस्बैंड बोले तू भी चल ला घुमा लाऊँ तुझे। बाय बाय एवरीवन, लव यू ऑल, गुड नाइट।